आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रगति मैदान टनल पर। जी हाँ, आपको बता दें कि इसे खुले हुए एक हफ्ता हो चुका है और इसकी तमाम जानकारी हम पहले ही एक वीडियो में जो है वो वीडियो के माध्यम से हम आपको दे चुके हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो प्रगति मैदान टनल है वो खुल चुका है और लोग जो है वो इस टनल में जा रहे हैं और जहाँ जो सफ़र उनको तय करना है, घंटों का सफ़र जो है अब वो काफ़ी समय बाद जो है वो कम होता दिख रहा है। और इसको खुले हुए एक हफ्ता हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और इंडिया गेट से लेकर मथुरा रोड, रिंग रोड, भैरव रोड, तिलक मार्ग, ITO समेत तमाम इलाकों में ट्रैफिक पर इसका जो है वो सीधा असर देखने को मिलेगा। लोग जो है इस वक्त जा रहे हैं और अंदर जो एक बहुत खास बात इसकी बताई गई है वो यही है कि अब इस टनल को जो है वो सेल्फी पॉइंट भी हम कह सकते हैं और इसके अंदर जो चित्रकारी की गई है उसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो अब हम भी इस टनल का सफ़र करेंगे और एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि और क्या खास चित्र इसमें हैं और कैसे इसे सेल्फी पॉइंट जो है वो कहा जा रहा है। ट्रैफिक में ट्रैफिक से तो निजात मिलेगी ही, लेकिन इसी के साथ ही जो सफ़र है वो भी काफ़ी स्मूथ हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर नया है तो लोग इसमें किस तरीके से सफ़र कर सकते हैं और किस तरीके से लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो लोग भी इस टनल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो साफ तौर पर दिए गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगी, इस वक्त हम लोग जिस टनल के बाहर खड़े हैं और जहाँ जो इस टनल की एंट्री जो होती है वो होती है इंडिया गेट के लिए। अगर आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आप इसको पार करके सीधा जो है वो इंडिया गेट पहुँच जाएंगे और इसी के साथ ही अगर आप अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर एंट्री करने के बाद तमाम तरीके के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं अगर और स्पीड लिमिट भी जो है वो दिखाई गई है और इसी के साथ ही तमाम तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको अगर लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट कितनी दूर पर पड़ेगा और कितनी दूर जाने के बाद राइट होगा और किस किस स्टेप के साथ जो है वो चीज़ें रहेंगी। और इसी क्योंकि अगर आप पहली बार इसमें सफ़र कर रहे हैं तो बिल्कुल भी जो है वो घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि हर स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें लिखी गई हैं और इसी के साथ ही आपको बताया गया है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए और अगर आपको राइट जाना है तो कितनी दूरी के बाद जो है वो राइट टर्न आएगा और कितनी दूरी के बाद जो है वो लेफ़्ट टर्न आएगा। तो इस तरीके की सभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसके टनल के अंदर दिए गए हैं तो जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो नहीं आने वाली है। We'll be right back.
पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इस टनल को सजाया गया है, पेंटिंग्स बनाई गई हैं, क्या कुछ सुविधा इसमें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि टनल में किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना हो, धूल मिट्टी ना रुके, उसके लिए फ़ैन लगाए गए हैं ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं या जो लोग पैदल भी चल रहे हैं उनको किसी भी तरीके का सफोकेशन जो है वो फील ना हो। इसी के साथ ही तमाम पिक्चर्स जो है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 6 ऋतुओं को हमारे इस पैनल में जो है वो दर्शाया गया है, इस टनल में जो है वो दर्शाया गया है। और इसीलिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेल्फी पॉइंट जो है वो कहा है, क्योंकि तमाम तरीके की चीज़ें इसमें की गई हैं, चाहे फिर वो हमारे नेचर से रिलेटेड हो, हमारे धर्म से रिलेटेड हो, हमारी संस्कृति से रिलेटेड हो, हमारे समाज से रिलेटेड हो, सभी चीज़ों को इस टनल के अंदर जो है वो दर्शाया गया है। गाड़ी आ रही हैं, गाड़ी जा रही हैं, सभी लोग इस टनल का जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और सबसे खास बात जो इस टनल की यही है कि इस टनल में सभी तरह के ड्राइव करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी जो हैं वो लिखे हुए हैं। और हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ड्रिंक करके ड्राइव करना भी जो है वो खतरा ही होता है, और वो इंस्ट्रक्शन या कहें कि वो सावधानी का मैसेज भी जो है वो इस टनल में लिखा गया है, और तमाम मैसेज भी जो है वो यहाँ पर इस टनल के द्वारा दिए गए हैं। अलग इमरजेंसी सुविधा इस टनल में दी गई है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो कितनी दूर जाके जो है ये टनल खुलता है और कितनी दूर नहीं, बहुत सी सुविधाएं इसमें हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पहले की वीडियो का दिया ही हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ आए हैं और यहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ आए, हर रविवार को कुछ घंटों के लिए गाड़ी की आवाजाही को बंद किया जाएगा, लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट इसको कहा गया है, क्योंकि लोग आए और सेल्फी यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप भी आइए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टनल कैसा लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली को और सुंदर बनाने की एक पहल जो है ये की गई है। काफ़ी समय से इसका काम जो है वो चल रहा था, और अब ये जो है दिल्ली की जनता के लिए या दिल्ली से में आने वाले, दिल्ली से बाहर की जो जनता है वो दिल्ली में अगर आना चाहती है तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी सौगात ये दी गई है। इस टनल की खासियत ही यही है कि इस टनल को 6 ऋतुओं के आधार पर, और इसमें जो है पेंटिंग बनाई गई है इस टनल में, आप देख सकते हैं हम एक सिरे से शुरू हुए थे और इस वक्त टनल के दूसरे सिरे पे जो है वो इस वक्त हम खड़े हैं, और अंदर कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं, तमाम तरीके की नृत्य कला है, नेचर को दर्शाया गया है और म्यूज़िक को दर्शाया गया है, हमारे दिल्ली में या कहें कि हमारे देश में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी तस्वीरें जो हैं पेंटिंग के ज़रिए इसमें बनाई गई हैं। लोग जो है अब अपना सफ़र, जो ट्रैफिक से जिन लोगों को जूझना पड़ता था, अब वो अपना सफ़र जो है वो और आसान इस टनल के द्वारा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर चुके हैं और उन्होंने भी जो इस टनल में पेंटिंग्स बनी हुई थी उनकी सराहना की थी और कहा था कि लोग यहाँ पर आएं और सेल्फी इनके साथ लें। लेकिन एक सवाल यही था कि इतने ट्रैफिक में जब गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं तो लोग रुक कर कैसे सेल्फी ले सकते हैं। तो इसी के लिए जो लोग सेल्फी के शौकीन हैं, जो अच्छी कला के साथ फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, उनके लिए एक खास जो है वो दिन रखा गया है, रविवार का। जी हाँ, संडे का दिन रखा गया है, कुछ घंटों के लिए इस टनल को जो है वो बंद किया जाएगा ताकि जो लोग ये टनल पैदल घूमना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं और सेल्फी ले सकते हैं। तो अगर आप भी सेल्फी लेने के शौकीन हैं और अगर चाहते हैं नई जगह घूमना और अच्छी अच्छी सेल्फी क्लिक करवाना, तो प्रगति मैदान में जो टनल बना है वहाँ आइए। संडे के दिन यह बंद रहता है लोगों के लिए, जो लोग सेल्फी लेने के शौकीन हैं तो आइए अपनी सेल्फी पोस्ट कीजिए। और इसी के साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टनल कैसा लगा है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मनीषा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।